बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सिंहासन की जंग में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौर, सिरोही और उसके अलावा बांसवाड़ा में हुंकार भरेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि जालौर के भीनवाल में मुख्यमंत्री वज्रलाल शर्मा पहुंचे हैं विजय शंखनाद रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, जालौर के भीनवाल में प्रधानमंत्री मोदी की विजय शंखनाद रैली, 72 जिनालय के सामने मैदान के अंदर ये जनसभा की जा रही है। जालौर सिरोही प्रत्याशी लुम्बाराम के समर्थन में चुनावी सभा की जा रही है और मुख्यमंत्री वज्रलाल शर्मा इसमें शिरकत कर रहे हैं। सिरोही नहीं, जोगेश्वर गर्ग, देवजी भाई पटेल मंच पर मौजूद हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है जालौर के भीनवाल से, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे और वो यहां सभा को संबोधित करेंगे। यहां मुकाबला बेहद रोमांचक क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत मैदान में है, जबकि बीजेपी ने एक सामान्य कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है। देवजी भाई पटेल यहां से सांसद रहे हैं, लेकिन जिन 100 से ज्यादा सांसदों के देश भर में बीजेपी ने टिकट काटे उसमें ये सीट भी शामिल है और यहां से देवजी पटेल का टिकट बदलकर लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया गया है। वैभव गहलोत मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। यहां की जनता के लिए दोनों ही लोकसभा चुनाव में नए चेहरे हैं, ऐसे में मुकाबला बेहद रोमांचक रहेगा और यहां साने वर्सेस बाहरी का मुकाबला मामला भी मुद्दा भी है। लेकिन जिस तरीके से वैभव गहलोत यहां प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से लुम्बाराम चौधरी के लिए बीजेपी प्रचार कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां आ रहे हैं और यहां से क्या संदेश जालौर सिरोही की जनता को देंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री वज्रलाल शर्मा पहुंचे हैं, देवजी पटेल मंच पर मौजूद हैं, इसके अलावा भी कई नेता मौजूद हैं, जोगेश्वर गर्ग मौजूद हैं। तो तस्वीरें और ये सीट बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि अगर बीजेपी को मिशन 25 को पूरा करना है तो इस सीट पर भी जीत दर्ज करनी होगी। वहीं अगर कांग्रेस को बीजेपी को रोकना है तो एक ये भी सीट है जहां मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। बीते दो चुनाव से यहां बीजेपी जीतती आई है, 2014 में मोदी मैजिक, 2019 में मोदी मैजिक, लेकिन क्या 2024 में भी मोदी मैजिक इस सीट पर चलेगा ये तय होगा आज, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां आ रहे हैं सभा को संबोधित करेंगे। भाइयों की भारत वाली वो भी हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जय श्री राम। इस कांग्रेस सरकार ने तो जालौर सिरोही दूसरे चरण की 13 सीटों में से वो सीट जहां मुकाबला होना है, कांग्रेस की तरफ से पूरी जोर आजमाइश इस सीट पर की जा रही है और बीजेपी के लिए इस सीट कितनी महत्वपूर्ण इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री वज्रलाल शर्मा पहुंच चुके हैं सभा को संबोधित करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर अब सभी की नजरें आकर टिक गई है। बीते दो चुनाव से यहां बीजेपी का कमल खिलता आया और क्या जीत की हैट्रिक लगेगी यह देखना दिलचस्प होगा।